ब्लड वन निकल जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं इनको कोबरा सांप ने वाइट किया है। कोबरा सांप आप देख सकते हैं। अरे भोरे भैया। तो दोस्तों कभी भी अगर किसी की कोबरा सांप अगर काटते हैं उनको तत्काल आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप झाड़ फूक चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी को जब देख रहे हैं सब काला हो गया है और जहाँ काटा है वहाँ भी एकदम काला हो गया है। तो इसलिए इनके काटने से 40 से 50 मिनट समय रहता है। हम लोग बराबर वीडियो में बताते हैं कभी भी कोई अगर सांप काटते हैं तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए या कोई भी पास में सरकारी हॉस्पिटल रहे, क्योंकि वहाँ जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि जहरीला सांप काटा है कि नहीं काटा है। हम लोग झाड़ फूक चक्कर में पड़ते हैं और एक घंटा से 50 मिनट समय रहता है उनके पास। इसीलिए हम लोग कभी भी किसी भी अगर रात को काटते हैं तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जो भी साधन मिलता है अक्सर का एक दो चक्कर जाइए, कहीं का अगर ट्रैफिक रहेगा दो चक्कर से आप निकल जाएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है, हम प्रशासन फ़ोन कर दिए हैं, लखनऊ पूरा फोन आ गया थाना पे, जो भी होगा इनका प्रक्रिया हम करवाएंगे और जो भी अनुदान होगा हम दिलवाएंगे। हमारे अनुरोध है और जितने हमारे भाई बंधु हैं कभी भी अगर किसी घर में सांप निकलता है आप उनको छेड़िए मत। आप छेड़ेंगे तो दुर्घटना पक्का हो जाएगा। इसीलिए सांप के काटने के बाद आप सीधा हॉस्पिटल पहुंचिए, उसके बाद तत्काल इलाज होगा। अगर नहीं दिक्कत होती, कहीं प्रॉब्लम होता है, आप हमारे पास फ़ोन करेंगे, हम तत्काल बात करेंगे हॉस्पिटल से, तुरंत व्यवस्था कराएंगे। CMO से बात करके पूरा व्यवस्था करवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम लोग झाड़ फूक चक्कर में परिवार हमसे रूठ जाते हैं, लोग जानते नहीं हैं। अगर कोबरा सांप काटेगा तो आपको उल्टी होगा, दर्द होगा, सूजन होगा। कॉमन क्रेज सांप काटेगा तो आप गला ब्लॉक होगा, पेट में दर्द होगा। और आम सांप काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का खाली आपको पसीना होगा, घबराहट होगा, उसी में आधा हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए हम लोग बराबर सांप को बताते हैं। अब आ रहे हैं प्रशासन, इनको पोस्टमार्टम भेजेंगे। पोस्टमार्टम हो के जो प्रक्रिया होगा इनका जो मिलेगा चालक खानदान मिलता है वो दिलवाएंगे। उसके बाद हमारे यही निवेदन है, कभी भी सांप को आप छेड़िए मत। किसी काटते हैं सीधा आप डिस्ट्रिक्ट जाइए हॉस्पिटल। आइए सर, आइए आइए, हमें फोन की कितना उम्र है? अरे 45-50 है। कितना उम्र? पुरुष है। कितना उम्र है? 40 ऊपर 45 आता है। हाँ हाँ भलवाई मंगाए।
बराबर हो जाएगा दो सौ तीन का अंदर ठीक है नमस्ते पानो और पीछे हो ना साइड ना वो दोनों सटा के दोनों पहले लड़की बांध कर एक लड़के तब सी जाए खुले ना मुंह उसको वो सो लपेट के बाना खुले ना हाँ हाँ कब गलत पानी दिए कम कम तो कम हाँ करा दिया होते गाड़ी मंगाओ गाड़ी गाड़ी बैक करके दिया गाड़ी लेती ऊपर बैक करके लगवाओ इतना जल्दी चला गई आज हो जाए ना पाई सही है सही है सही दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी सांप काटने से दुर्घटना हो गई है मैं सोनू पुजारी सर्वमित्र मैं लोगों को मदद करता हूं जो उनको जितना भी हमारे से ज्यादा अवकाश ज्यादा हम करते हैं आए दिन सांप काटने से दुर्घटना होती है झाड़ फूक चक्कर में हमारा यही अनुरोध है कभी भी अगर किसी भी अगर कोई भी जंतु कोई भी काटते तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए ना तो झाड़ फूक चक्कर करेंगे क्योंकि कोबरा सांप काटने से एक घंटा समय रहता है उसके बीच में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है और जिनकी डेथ हुई है बहुत गरीब परिवार के हैं और देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी धर्म पत्नी है उनकी बेटी है उनका बेटा है ये बड़ा लड़का है जो भी भगवान ने परमात्मा ने जैसे भी बनाया है उनका स्थिति बहुत गड़बड़ है मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हर हॉस्पिटल पे सांप को दवा होना चाहिए तत्काल ताकि पहुंचने के बाद आदमी का इलाज हो और जो भी सरकारी अनुदान होता है इन लोग को मिलना चाहिए इस वीडियो को दूर दूर शेयर करिए ताकि सांप काटने से तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए झाड़ फूक चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए झाड़ फूक चक्कर में आप पड़ेंगे तो हम सिर्फ परिवार रूठ जाएंगे और जो भी अब आखिरी पोस्टमार्टम के लिए हमने सीज करवा दी है अब पोस्टमार्टम बांटी जाएगी वहाँ जो भी होगा इनका बनेगा कागज पत्र उसके बाद आएगा रिपोर्ट लगेगी डी एम किया जाएगा जो भी 4 लाख होता है इनका मिलेगा इसीलिए मैं दिल से मैं इनको नमन करता हूँ आत्मा की उनकी शांति मिले जय हिंद जय भारत जा जा सीधा ले जा।